मेरे पापा आ गए हैं। अली अली अली, आज जब से आया हूँ भाई, चुम्मा चुम्मा लेके दोनों पागल कर दे रहे हैं, है ना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग कुछ और स्पेशल होने वाला है। कल एक बैच कंप्लीट हुआ, अभी अगले बैच में 3 दिन का गैप था। सर से बात की, घर की याद आ रही है, निकल दिया, ऑन वे टू रीवा जा रहा हूँ। 3-4 दिन का गैप होगा, बच्चों को लेके वापस। और मजे की बात, सरप्राइज की बात, कि मेरे साथ जा रहे हैं भैया और टीना। हाय टीना। हाय गाइस। और भैया ड्राइव कर रहे हैं। हाय। अच्छा मौका मिला, मैंने कहा अच्छा है, प्लान बना लेते हैं जल्दी से। कल रात को एकदम से इंस्टेंट तैयारी, पैकिंग, सुबह निकल दिए। अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और हम ऑलमोस्ट एक्सप्रेस वे इंटर करने वाले हैं। तो अब देखिए क्या है, रास्ते का सीन दिखाते हैं, मजेदार। मेरे ख्याल से बारिश वगैरह मिलेगी और मजा आएगा। और भैया ऑलरेडी 100 टच कर रहे हैं लगातार, स्पीड लिमिट इज 100 ईयर। अभी जस्ट हम एक्सप्रेस वे इंटर करने वाले हैं थोड़ी देर में। तो बढ़िया है, अगले 4-5 दिन घूमने फिरना रीवा। और किस्मत अच्छी रही कि टीना और कौशिक भैया भी जा पा रहे हैं, नहीं तो नॉर्मली शायद अगर ऐसी कंडीशन नहीं होती तो मुश्किल होता ना सिर्फ रीवा जाना। तो अभी सिर्फ 3-4 दिन घूम के हम वापस आ जाएंगे पूनम और बच्चों को लेकर। दोस्तों ये है चंबल के बीहड़। आपने कई मूवीज़ में देखा होगा, डाकुओं वाली मूवीज़ में जैसे फूलन देवी वगैरह में बीहड़ दिखाते हैं, जंगल दिखाते हैं। वो यही इलाका है, ग्वालियर के पास बीहड़ है, जहाँ पे मतलब काफ़ी डकैत थे पहले। अब आज के डेट में तो बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है, सुना पड़ा हुआ। और ये बहुत बहुत लंबा है, डेप्थ वाइज बहुत लंबा, इसी तरह चलेगा। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। चल रहा टीना, खाना पीना, ब्रेकफास्ट। तो सब ने ब्रेकफास्ट सुबह कर लिया था, तकरीबन बज रहे हैं 12:15, तो कुछ खाना पीना साथ में चल रहा है। भैया लगातार ड्राइव कर रहे हैं दिल्ली से अभी तक। और आज हमने कुछ एडवेंचर, मीन्स मैं आप कह सकते हो कुछ चेंजेस लाए हैं। डिटूर जा रहे हैं इन द सेंस कि आज कानपुर लखनऊ वाला रूट नहीं लिया है, आज आगरा के बाद ग्वालियर, छतरपुर, पन्ना होते हुए रीवा, कुछ थोड़ा डिफरेंट कर रहे हैं। उधर ग्रीनरी अच्छी है और वाटरफॉल वगैरह भी है। पन्ना टाइगर रिजर्व के थ्रू बीच से निकलेंगे। थोड़ा सा मैंने कहा चलो देखते हैं ये रास्ता कैसा है, रूट है। तो अभी तक तो फिलहाल ठीक है, बीच में कुछ गांव जैसा था, फंस गए थे, तो लगा कि बीच में गाँव फंस गया है, पर अभी तो ठीक चल रहा है। क्यों भैया सही है ना रूट अभी तक? बिल्कुल सही है अभी तो। हम रुके हैं हाईवे के पास एक ढाबा में खाना खाने। रेस्टोरेंट्स वगैरह यहाँ है नहीं, ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा इस बार। थोड़ा सा रूट अलग है तो थोड़ा सा लग रहा था कि बारिश वगैरह मिलेगी, बारिश बिल्कुल नहीं मिली, एक बूंद पानी अभी तक नहीं मिला है। और कहानी यह है कि अभी रेस्टोरेंट भी ढंग के नहीं मिल पा रहे हैं। ढूँढा एक तो थोड़ा सा ठीक, आप कह सकते हो कुछ ठीक रेस्टोरेंट मिला है, रेस्टोरेंट ना कहो आप, ढाबा कह लो इसको। इसका तो नाम भी नहीं दिख रहा मुझे, तो कुछ नाम नहीं है इसका, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, नाम भी नहीं है। तो बस यहीं अब लंच करेंगे और लंच करने के बाद निकलेंगे। स्टिल वी आर ऑलमोस्ट यू कैन से नियर अबाउट 350 किलोमीटर अवे फ्रॉम रीवा। ये केन नदी के ऊपर ब्रिज बना हुआ है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही बढ़िया, मतलब अल्टीमेट व्यू आ रहा है यहाँ से। ग्रीनरी, पीछे पहाड़ और नदी, ये ब्रिज। ओ टीना का फोटोशूट चल रहा है इधर,
तो बहुत ही सुंदर दूसरी तरफ ब्रिज से ये व्यू आ रहा है, बहुत ही प्यारा। आगे एक केन रिवर लॉज भी है और ये रहा वो ब्रिज जिस पे हम खड़े हैं और ये हम इंटर कर गए पन्ना टाइगर रिजर्व के एरिया में। ये रोड है जंगल के बीच से निकलती हुई रोड और इधर ही पे एंट्रेंस है पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए और कैंप वगैरह भी हैं। दोस्तों रास्ते में ये पड़ता है पांडव फॉल और पांडव केव्स, हम वहाँ चुके हैं देखने के लिए। वाटरफॉल तो बहुत ही कम है, पानी बहुत कम है, अभी बारिश इधर नहीं हुई ज़्यादा, पर नीचे अगर आप देखोगे तो ये जो कुंड है इसमें काफ़ी पानी भरा हुआ है। बताते हैं यहाँ नेचुरल वाटर भी नीचे से आता है, नीचे की तरफ से नेचुरल वाटर आता है और पांडव यहाँ पे रहे थे जब दूत क्रीड़ा में वो हार गए थे, उनको 12-13 साल के लिए वनवास में रहना पड़ा था, तो उस टाइम पे वो काफ़ी टाइम कहते हैं इस जगह पे रहे। और वो आप देख रहे हो नीचे जो गुफाएं हैं, जो नीचे वो केव्स हैं, उन्हीं में वो रहते थे पांडव, और इसीलिए काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ विज़िट भी करते हैं। और अभी बारिश के बाद तो ये वाटरफॉल बहुत भरा होगा और मैं ये सोच रहा था कितनी मुश्किल से यहाँ रहते रहे होंगे, जब उस टाइम पर वो रहते थे तो कितनी दिक्कत होती होगी। अभी तो स्टेयर्स वगैरह बना दी, सारी चीज़ें बना दी और तब तो ये पूरा घना जंगल था, तो काफ़ी बढ़िया है। और अगर आप यहाँ देखोगे तो नेचुरल ब्यूटी मिलेगी आपको चट्टानों के बीच में से, ये वाटरफॉल छोटा सा है अभी, हल्का सा आप कह सकते हो, पर बारिश के बाद भयंकर पानी इसमें होता है। और ये कुंड और चारों तरफ हरियाली, ग्रीनरी है ना, आप देखोगे तो चारों तरफ पेड़ हैं और हरियाली है, काफ़ी बढ़िया नज़ारा। ऑफकोर्स बारिश में बहुत प्यारा लगता होगा, हम लोग अनफॉर्चुनेट रहे थे भैया, बिल्कुल बारिश में जैसा बारिश नहीं है, थोड़ा सा निराशा है ना, थोड़ा सा ड्राई सा है, बारिश नहीं है इसलिए, बट है बहुत ब्यूटीफुल, नहीं है प्लेस अच्छी है, पर बड़ा पीस, थोड़ा सा जो सोच के आए थे उसके हिसाब से थोड़ा निराशा, ग्रीनरी है, पीसफुल एकदम। ये पांडव फॉल का इंस्ट्रक्शन बोर्ड और यहाँ पे हमें मिल गए कुछ बंदर, काले मुंह वाले बंदर। भैया ने कुछ खाने को दिया और भीड़ लग गई, चारों तरफ से घेर लिया हमारी गाड़ी को, खतरनाक कंडीशन। और ये रास्ता वाकई में बहुत खूबसूरत है, ये रास्ते पे गाड़ी चलाना भी मज़ेदार, बीच बीच पे जानवर बंदर वगैरह मिलेंगे आपको, कुछ हिरण वगैरह भी दिख जाते हैं कभी कभी चांसेस हुए तो। और कहते ये हैं कि यहाँ पे रात को निकलो तो टाइगर वगैरह भी आपको रास्ते में मिल सकते हैं। आज कौन आया है कप्पू से मिलने? और विनी दीदी, विनी दीदी कहाँ है तुम्हारी विनी दीदी? ये है विनी दीदी, आज कुहू और विनी दीदी तो बिल्कुल मैचिंग में है, येलो येलो डर्टी फेलो, हाँ सही बोला। और यहाँ हो रही है पौड़ी, पौड़ी हो रही पौड़ी, देखिए भाई क्या क्या है, मुंह में पानी आ गया, हा हा हा, वेज हक्का नूडल्स, वेज कोथे, ओह माय गॉड, और ये क्या है, स्प्रिंग रोल, और ये है बर्गर, ये भी बर्गर है, एक चीज बर्गर है और एक चीज पनीर बर्गर है। कप्पू को बहुत दिन बाद ऐसी पार्टी मिली है, राइट? इट्स योर बर्गर, पेस्ट्री नहीं आ पाई बेटा, ये कम है क्या, ये सब कम है क्या, पेस्ट्री भी चाहिए। और एक सरप्राइज है कप्पू के लिए जो फ्रीजर में रखा है, ऊपर के फ्रीजर में आइसक्रीम, देख देख चलो स्टार्ट करो भाई। और हम सब चल दिए एक छोटी सी राइड को, आज हम लोगों की ड्राइवर है
अनी दीदी। अनी दीदी बहुत बढ़िया गाड़ी चलाना सीख गई हैं। सतना से रीवा, रीवा से सतना अकेले आती जाती हैं, है ना। सबसे लॉन्गेस्ट ड्राइव कौन सी थी अनी की? सतना टू रीवा ही रही है, बाकी सब हाईवे पे। चलो ग्रेट। अच्छा एंड और भी चला लेती है। देखिए अभी बारिश हो चुकी है। चल चले गगन को एंजॉय कर रहे हो पप्पू? इतना टेस्टी टेस्टी खाना खाने के बाद अब पप्पू घूमने निकला है। मौसम बड़ा सुहाना है, हमको नाव बनाना है। वही तो मैं कह रही हूँ, इसलिए मुझे तुझे यहाँ पे लिख के देखो गाइस पानी ठोको ताली। सरप्राइज पप्पू का। जाओ आगे जाओ। हेलो 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 टीना तो लगी है फोन पे। हेलो मेरे पापा आ गए। हाँ फाइनली पापा रीवा पहुंच गए अपने बच्चों के पास। कैसा लग रहा है पप्पू? अच्छा लग रहा है। माँ को बहुत खुशी हो रही है। हाँ। माँ बहुत खुश है। हाँ। हेलो गाइस मैं रीवा पहुंच चुका हूँ अपने कप्पू और माओ के पास और दोनों आज बहुत खुश हैं, है ना। दोनों मुझे बहुत प्याई प्याई कर रहे हैं। अरे बस भाई बस, पापा पसीना पसीना हो गए इनके प्यार से। माओ को भी पसीना आ रहा है। इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी बट फाइनली आई एम होम। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं डाइनिंग टेबल पे। कुकू के साथ पापा खाना खाएंगे और शुभ भैया भी खाएंगे, कप्पू भी खाएगा और साथ में टीना। क्या है आज कुछ खास? मसाला पनीर। मसाला पनीर, मसाला पनीर, जीरा राइस और रोटी साथ में सलाद और स्वीट डिश में है आम रस। स्वीट डिश में सुनो माओ तू पापा को मिस कर रही थी। हाँ। रोज कप्पू पापा को मिस करता था। तुम तो दल बदलू थे। जैसे पापा दिल्ली गए तुम मम्मी की तरफ हो गए थे। तुम बहुत गलत सब बोल रहे थे। ब्लॉग में सब लोग बोल रहे थे कि लड़का तो कितनी जल्दी दल बदल लिया, पार्टी बदल ली। कुहू कुहू जबकि ब्लॉग में बोल रही थी नहीं मैं पापा पास रहेंगी, है ना। पापा आज से पापा माओ को सुनाएंगे अपने पास, कप्पू को नहीं सुनाएंगे। तुम बदल बदलू हो, मौका मिलते ही पार्टी बदल लेते हो। आज जब से आया हूँ भाई चुम्मा चुम्मा लेके दोनों पागल कर दे रहे हैं, है ना। तो फाइनली दोस्तों मैं रीवा पहुंच चुका हूँ कुहू और कप्पू के पास, मेरी प्यारी माओ और मेरा प्यारा टाऊ बिलार। और इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी। भैया थे टीना थे तो बहुत मजा आया। भैया अभी भी यहीं बैठे हुए हैं, मोबाइल कुछ दिन भर के मैसेज वगैरह देख रहे हैं। और टीना नीचे पूनम के साथ है। हम लोग डिनर कर चुके हैं, डिनर कंप्लीट, और अब यहाँ बैठे हुए हैं। और ये दोनों आज तो छोड़ेंगे नहीं, है ना। पापा के पास कौन सोएगा आज? कुहू मैं। अरे बाप रे, अरे बाप रे। चलो चलो चलो। तो चलो दोस्तों होपफुली आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। और कप्पू आगे बोलेगा, आज बहुत दिन से बोला नहीं है, भूल गया क्या? हमारा वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें।
शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल को लाइक को दबाना। मैं आपको मिलता हूँ दूसरे ब्लॉग में, तब तक के बाय बाय। रूह से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे होते हैं, जितनी कर लो कोशिशें तोड़ने की ये और भी गहरे होते हैं।